एंड वेलकम बैक। सो मैं फाइनली पहुंच चुकी हूँ होटल में। सो मैं मॉर्निंग पहुंच गई थी यहाँ अराउंड 6:30। दो मेरा चेक इन लेट था बट अर्ली थोड़ी पेमेंट कर ली थी तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने हमें अर्ली चेक इन करने दिया। एंड द होटल रूम इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। सो अभी बज रहे 9:30 एंड मुझे निकलना है स्कूटी लेने। ब्रेकफास्ट भी करना है अभी एंड ब्रेकफास्ट के लिए मैंने ऑर्डर दे दिया है एंड ब्रेकफास्ट जल्दी आ जाएगा। तो ब्रेकफास्ट करके हम लोग निकल रहे हैं स्कूटी लेने। स्कूटी भी ऑलरेडी बुक हो चुकी है तो सब कुछ रेडी है। आज जो भी हम पूरे दिन भर जो भी प्लानिंग है जो भी घूमना है मैं आपको सब दिखाऊंगी। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर द ट्रिप ऑलरेडी। मैं पूरा रेडी हो चुकी हूँ। मैंने ये आउटफिट पहना है आज के लिए, ऊपर से है जैकेट बिकॉज हल्का बाहर ठंडा है। यू नो ये थोड़ा माउंटेन एंड हिली एरिया तो ठंडा है यहाँ एंड बारिश भी हो रही थी काफी दिन से। सो या इट्स लिटिल बिट चिली हियर। सो या आई एम ऑल सेट टू गो। वेरी एक्साइटेड टू स्टार्ट द ट्रिप। आई होप आप लोगों को बहुत मजा आएगा बिकॉज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस ट्रिप के लिए। सो नाउ लेट्स गो एंड हैव ब्रेकफास्ट और जल्दी से निकलते हैं, फिर आगे आपको बताती हूँ। और हाँ गाइज, मैं आपको रूम टूर भी अभी दे देती हूँ बिकॉज बाद में भूल जाती हूँ। सो लेट्स सी द रूम। सो हेयर स्टार्ट्स द लिटिल रूम टूर एंड ये बहुत ही अच्छा कॉम्पैक्ट रूम है। देर इज अ डबल बेड देर एंड देन देर इज अलमीरा कबर्ड, इट्स अ ह्यूज वन। एंड देन साइड में टेलीफोन वाला एरिया एंड देन दिस इज सिटिंग एरिया वेयर यू कैन डू योर वर्क और यू नो यूज लैपटॉप और एनी थिंग और कीप योर स्टफ एंड दिस इज अ टेलीविजन। सो इट्स अ ग्रेट रूम। सो गाइज हियर आई एम स्टार्टिंग द डे विथ कॉफ़ी जो कि यहाँ की बहुत फेमस है। आप चिकमंगलूर आएंगे तो यहाँ की कॉफ़ी ज़रूर ट्राई करना एंड इडली फॉर श्योर बिकॉज आई लव इडली एंड सांभर एंड चटनी भी इसके साथ ही, तो इट वॉज अमेजिंग कॉम्बिनेशन। इसको फिनिश करने के बाद जल्दी से विल गो टू अवर डेस्टिनेशन। सो गाइज दिस इज द रॉक एंड रोल लैंडर जहाँ पे हम बाइक ली है एंड अब अंदर चल के बाइक उठाते हैं। सो एज यू कैन सी बहुत सारी स्कूटीज है। यू कैन बुक स्कूटीज और इवन बाइक और यू वॉन्ट थार और एनी कार, दे विल प्रोवाइड यू एवरीथिंग एंड या इट्स अ गुड एरिया एंड ऑफिस भी इनका काफ़ी अच्छा है। इट्स ऑल प्रोफेशनल। सो वी टुक दिस डियो एंड या वी लाइक द कलर इन एवरी थिंग। सो फर्स्ट वी वेंट टू द पेट्रोल पम्प। सो गाइज दिस इज़ द मार्केट एरिया। यहाँ पर आपको लाइन से बहुत सारे लॉज और एनी होटल यू वॉन्ट ईजीली अवेलेबल है। सो फर्स्ट वी हैव डिसाइडेड कि हम लोग जा रहे हैं, बहुत ही फेमस लेक है जो यहाँ की एंड द नेम इज़ हीरोकुलाले लेक एंड या ऑल्सो दिस इज़ द मानसून टाइम लाइक प्रॉपर मानसून। सो वी आर लिटल स्केयर्ड कि बारिश कभी भी कहीं भी आ सकती है। सो आई विश कि अभी ना आए एंड द वेदर लुक्स प्रिटी कूल एंड नाइस। सो गाइज आई एम इन लव विद द व्यू एंड एवरी थिंग। यू नो वी कैन सी द माउंटेन्स फॉग एंड द वे इज जस्ट सो क्लियर। द फ्रेश एयर कमिंग इन इज अमेजिंग। लाइक I have not been anywhere since a long time, so I am loving it totally. And the you know the way in between the view, everything is amazing. It's so peaceful, and also there is not so much crowd, so that is a good thing because it's monsoon time also. So guys, I have reached the lake and this is the parking area. You can see the view looks so amazing and so peaceful. So yahan par hum logon ne apni scooty park kar li and then we are going inside. And let me tell you, the wind is blowing like anything, guys. I mean
गाइज द व्यू हेयर इज सो अमेजिंग एंड ब्यूटिफुल, आई एम इन लव विद दिस. मैंने बहुत सारी पिक्चर्स एंड वीडियोज भी बनाई हैं एंड आप लोग देख सकते हैं कि इट इज सो ब्यूटिफुल. सो गाइज दिस इज़ अ कैफे जो अभी बंद है. आई डोंट नो ये कब खुलता है बिकॉज जब से हम आए तब से खुला नहीं है. तो यहाँ काफ़ी चीज़ें लिखी है मेन्यू में कि मिलती है बट अभी बंद नहीं है, बट अभी खुला नहीं है तो हमें कहीं और जाना पड़ेगा. सो वी आर लिविंग फॉर द नेक्स्ट प्लेस नाउ आफ्टर स्पेंडिंग ऑलमोस्ट लाइक 1 hour हेयर एंड इट वॉज अमेजिंग टाइम. सो वी आर हेडिंग टूवर्ड्स मुल्यनगरी पीक विच इज़ द हाइएस्ट पीक इन कर्नाटका एंड आई रियली वॉन्टेड टू गो देयर. सो वी आर ऑन अवर वे एंड या ये यहाँ से पास में ही है, लाइक इसका रास्ता लेक से थोड़ा आगे जाके ही आता है. सो इट्स ईजी, वी डोंट हैव टू गो अदर वे. सो इट्स अराउंड आई थिंक ऑलमोस्ट 12 to 13 किलोमीटर्स एंड दिस इज द वे. ओके गाइज सो वी आर बैक इन द सिटी क्योंकि हम लोग वहाँ गए एंड चेक पोस्ट में उन्होंने हमें कहा कि ऑलमोस्ट 200 गाड़ी जा चुकी है ऊपर पीक में. सो दे विल नॉट अलाउ मोर देन दैट. सो वी आर बैक एंड विल गो आफ्टर 2 o'clock. सो वी डिसाइडेड वी विल हैव सम फूड एंड जूस देन गो बैक अराउंड 2 o'clock. दैट वुड बी अ गुड आइडिया. सो या आई एम हैविंग माई शुगर केन जूस एंड देन वी आर हेडिंग टू वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्लेस ऑफ चिकमंगलोर टू हैव अ गुड फूड, लाइक गुड साउथ इंडियन फूड. इट्स अ टाउन कैंटीन एंड आई हैव ऑर्डर्ड दिस केसरी भात एंड द अदर थिंग इज इडली फॉर मी एंड या वड़ा इज ऑल्सो देयर. सो आई एम एंजॉइंग माई फूड. सी यू इन अ वाइल. गाइज वेलकम बैक. सो मैं आ गई थी होटल बिकॉज वहाँ से मुल्यनगिरी जहाँ हम जा रहे थे वो बंद था, मैंने आपको बताया था. सो मैं आके सो गई थी, बहुत ज़्यादा थकान लगी थी. हमने कुछ लंच किया बाहर, उसके बाद आके 1 घंटे आराम किया. अभी हो रहे 3 o'clock. सो आई थिंक अब वो जाने देंगे वहाँ से. तो अब मैं रेडी होती हूँ एंड निकलते हैं जल्दी से जल्दी. तो मैं हो चुकी हूँ रेडी नेक्स्ट लोकेशन में जाने के लिए. नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गो. हे गाइस, सो अभी तक आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं पीक पहुंच गई हूँ, बट क्या बताऊँ, लाइक पीक गए हम लोग आधे रास्ते तक एंड वहाँ हो गई बहुत तेज बारिश. आजकल चल रहा है मॉनसून सीजन जिसकी वजह से कभी भी बारिश हो जाती है यहाँ.
स्पेशली हिली एरियाज में. सो वो एकदम पीक में है, तो वहाँ बहुत ज्यादा तेज से बारिश हो गई एंड हमें वापस टर्न लेना पड़ा बिकॉज हम लोग थे स्कूटी में एंड वैसे भी ऊपर जाने का फिर कोई फायदा नहीं था क्योंकि वहाँ बारिश कब बंद होती कब तक होती. सो हमने वेट भी नहीं किया, हमने जल्दी से टर्न लिया एंड वापस आ गए. सो हम होटल में है अभी एंड या अभी कोई प्लान एज सच नहीं है. अभी काफ़ी टाइम है बिकॉज अभी आई थिंक 4:30 हो रहा है. सो लेट्स सी क्या होता है, जो भी होता है वी विल अपडेट यू एंड यस. सो विल हैव कॉफ़ी एंड देन डिसाइड कि कहाँ जाना है आगे. सो सी यू आफ्टर अ व्हाइल. Okay guys, so today we took like full rest in the evening after returning back from the peak jahan ja nahi paaye and it's almost right now 7 o'clock and we decided to go out and explore the market, night view and everything. So yeah, we are going out and first we are going to the supermarket jahan hum logon ne kuch you know munching ke liye stuff liya. This was big. I mean, I was not expecting such a big supermarket, but it was there. So guys, a morning, मैंने आपको दिखाया था view. It was the same place, and this is the night view. So I must tell you that there are so many options to eat, and there are different kind of food you can have. Snacks, you can have dinner and everything. बहुत सारे restaurants थे. So you can go to a good one. We decided to go to this. Guys, now we are done with our dinner. It was very tasty and you can see there are lots of option to eat and I was craving for something sweet, so I decided to go to this bakery, the Bake House, and I just ordered pastry, but I took it to the hotel and then I thought there I will eat. So the night view is so amazing. बहुत सारी you know it's all lighten up and beautiful. So yeah, यहाँ आपको बहुत सारे hotel and lodge मिल जाएंगे पूरे you know इस रास्ते में and you can directly go there and book if you're coming. So that's a good thing. And yeah, we are heading to our hotel. We are very tired. We'll take rest and tomorrow is another day. So I'm excited. Good night.